तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को जो सैमसंग गैलेक्सी A21s में रिसेंटली एक छोटा सा अपडेट आया था उसमें जो जो फीचर्स आए थे उनके बारे में बताने वाला हूँ। तो मेक श्योर कि आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो सबसे पहले अगर मैं आप लोग को लास्ट वाला अपडेट लोग दिखाऊं तो एज यू कैन सी इसके अंदर काफी सारे फीचर मेंशन है। मेनली जो इम्प्रूवमेंट करा गया है वो है कैमरा में। एज यू कैन सी द परफॉर्मेंस ऑफ कैमरा हैज बीन इम्प्रूव्ड। इनहेंस क्विक शेयर, तो इसमें मेरे को बिल्कुल भी चेंज नहीं लगा। जो क्विक शेयर है उसमें मेरे को कुछ भी चेंज देखने को नहीं मिला। कैमरा में इम्प्रूवमेंट मेरे को लग रहा है एंड सिक्योरिटी ऑफ योर डिवाइस हैज बीन रिगार्डिंग आप लोग को यहाँ 3 डॉट्स पे जाएंगे जैसे क्लिप बोर्ड का एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो बेसिकली अगर आप लोग कुछ भी अपने फोन में कॉपी वगैरह करते हैं वो सब कुछ यहाँ पे अपियर हो जाएगा। कुछ भी टेक्स्ट वगैरह कॉपी करते हैं, हाई लिख दिया मैंने, इसको कॉपी करूंगा कॉपी, एंड अगर मैं यहाँ पे अपने फोन का क्लिप बोर्ड ओपन करूँ अब जाके एंड क्लिप बोर्ड में, तो देख सकते हैं जो लास्ट टेक्स्ट मैंने कॉपी करा था यहाँ पे अपीयर हो जाता है। तो मेरे को काफी ज्यादा बढ़िया लगता है क्लिप बोर्ड का फीचर। टेक्स्ट ही नहीं बल्कि आप लोग बहुत कुछ कॉपी वगैरह कर सकते हैं। जैसे अगर मैं अपने फोन का स्क्रीनशॉट लूँ, यहाँ पे स्क्रीनशॉट कैप्चर करा एंड डायरेक्टली जो स्क्रीनशॉट है ये मेरे क्लिपबोर्ड में सेव हो गया है। तो एक बार और क्लिपबोर्ड ओपन करते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे क्लिपबोर्ड में जो स्क्रीनशॉट था ये ओपन हो गया है। बेसिकली स्क्रीनशॉट को आप लोग यहाँ से कहीं शेयर वगैरह नहीं कर सकते, इसको आप डायरेक्टली व्हाट्सएप वगैरह में शेयर नहीं कर सकते, ना ही फेसबुक वगैरह में शेयर कर सकते हैं। बस इसको आप लोग अपने सैमसंग गैलेक्सी का जो नोट्स एप्लीकेशन आता है इसके अंदर जाके आप लोग इसको क्लिपबोर्ड से यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे पेस्ट कर दिया एज यू कैन सी, एंड यहाँ से इसका साइज वगैरह भी मिनिमाइज मैक्सिमाइज कर सकते हैं। तो काफी कूल फीचर लगता है मेरे को क्लिपबोर्ड का। एंड यही नहीं है, अगर आप लोग सेटिंग्स में जाएंगे देन यहाँ पे जाएंगे डिस्प्ले में, देन यहाँ पे आप लोग को पता ही होगा एच पैनल के बारे में काफी कूल फीचर लगा था जो कि 1UI 3.1 के अपडेट के बाद आ गया था। इसके अंदर पैनल्स पे जाना आप लोग को, देखेंगे यहाँ पे एक नया पैनल देखने को मिल जाता है जो कि क्लिपबोर्ड का। बेसिकली काम इसका भी सेम है, जो भी आप लोग क्लिपबोर्ड में कॉपी करेंगे आप लोग डायरेक्टली अपने एच पैनल से एक्सेस कर पाएंगे। सिंपली एच पैनल ओपन करेंगे एंड स्क्रॉल करेंगे आप लोग को क्लिपबोर्ड का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग अपने क्लिपबोर्ड में टेक्स्ट वगैरह लॉक वगैरह भी कर सकते हैं। क्लिपबोर्ड की कुछ लिमिटेशन होती है, मान लीजिए 15 टेक्स्ट की लिमिटेशन है कि आप लोग 15 टेक्स्ट ही कॉपी कर सकते हैं क्लिपबोर्ड में। लेकिन जैसे ही 16 टेक्स्ट कॉपी करेंगे तो जो आपने फर्स्ट वाला टेक्स्ट कॉपी करा होगा वो अपने आप ही डिलीट हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप लोग चाहते हैं किसी टेक्स्ट को जो कि डिलीट ना हो सिंपली उसको लॉक कर देना है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, प्रेस करके होल्ड करेंगे तो यहाँ पे एक लॉक का ऑप्शन आएगा, इसको लॉक कर देंगे, ये आपके क्लिपबोर्ड में परमानेंटली सेव्ड रहेगा। एंड इसको आप लोग डायरेक्टली कहीं भी अपने क्लिपबोर्ड का यूज करके डायरेक्टली उस पर टैप करके पेस्ट कर सकते हैं एज यू कैन सी। एंड दूसरा फीचर आपको गैलरी एप्लीकेशन में देखने को मिल जाता है। पहले अगर आप लोग को गैलरी एप्लीकेशन में कोई फोटो वगैरह को रीनेम करना होता था देन आप लोग को डायरेक्टली फाइल मैनेजर में जाना होता था, देन उस फोटो को फाइंड करके वहां से रीनेम होता था। लेकिन अब आप लोग डायरेक्टली अपने गैलरी एप्लीकेशन से किसी भी फोटो वगैरह को रीनेम कर सकते हैं। सिंपली उसके लिए 3 डॉट्स पे जाना है, डिटेल्स पे जाना है, तो यहाँ पे एडिट का ऑप्शन आएगा, एडिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं इसको मैं इजिली यहाँ से क्लिक करके रीनेम वगैरह कर सकता हूँ। एंड यहाँ पे आपको एक और नया ऑप्शन देखने को मिलता है जो कि गैलरी लैब्स में, तो उसके लिए सिंपली आपको 3 डॉट्स पे जाना है, देन सेटिंग्स में, देन नीचे स्क्रॉल करेंगे आपको गैलरी लैब्स का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। अगर आपके फोन में गैलरी लैब्स इनेबल नहीं है सिंपली आपको अबाउट गैलरी में जाना है, देन वर्जन पे आपको 10 टाइम्स क्लिक करना है, क्लिक करते रहना है, देन आपको एक नोटिफिकेशन आ जाएगा कि गैलरी लैब इनेबल हो चुका है। तो गैलरी लैब में आपको एक नया ऑप्शन देखने को मिलता है फुल स्क्रीन स्क्रॉलिंग। बेसिकली ये ऑप्शन अभी वर्क नहीं कर रहा है, जैसे मैं इसको इनेबल करता हूँ एंड बैक करता हूँ एंड कोई भी अपने फोन में फोटो वगैरह ओपन कर लेता हूँ, एज यू कैन सी फोटो मैंने ओपन कर लिया, स्क्रॉल भी कर लिया एंड वापस से गैलरी लैब्स ओपन करता हूँ, तो देखेंगे अपने आप जो ऑप्शन है वो डिसेबल हो जाता है। तो मेरे को लग रहा है कि नया ऑप्शन आया है लेकिन अभी प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है। बाकी आप लोग अपने फोन में ट्राई करके बताइए कि आपके फोन में प्रॉपरली वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है। एंड यहाँ पे जो नेक्स्ट फीचर देखने को मिलता है वो है कैमरा एप्लीकेशन के अंदर इंप्रूवमेंट वगैरह करी गई है। मैंने आपको इमेज सैंपल वगैरह भी दिखाया है, मेरे को पर्सनली ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर इंप्रूवमेंट करी गई है। तो यहाँ पे अगर आप लोग मोर पे जाएंगे तो आपको एक नया ऑप्शन देखने को मिलता है डेको पिक का, ऐसा लग रहा है मेरे को अपडेट के बाद आया। बाकी आप लोग कमेंट सेक्शन मुझे इन्फॉर्म करके बता सकते हैं इसके बारे में। तो जैसे इस पे क्लिक करेंगे आपको ढेर सारे यहाँ पे तरह तरह के मास्क मिल जाएंगे जो अपने फोटोज पे अप्लाई कर सकते हैं, आप लोग यहाँ पे क्लिक करके डाउनलोड भी कर सकते हैं। पता नहीं ये न्यू फीचर है या फिर ओल्ड फीचर है, कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे जरूर इन्फॉर्म कर सकते हैं। तो मैंने अभी जितने फीचर्स वगैरह स्पॉट करे थे आप लोग को इस वीडियो में इन्फॉर्म कर दिया है। बाय चांस अगर मेरे से कोई फीचर वगैरह रह गया हो तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे इन्फॉर्म कर सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें एंड हम बहुत जल्दी 20,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने वाले, तो मेक श्योर कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों। Yo, I ain't here for the money.